بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آداء مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون اے يا حبيب आप फरमा दें कि अहल किताब आओ इस बात की तरफ कि जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा हैं और वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा फिर अगर वो रोगरदानी करें तो कह दो कि हम अल्लाह के मतियव फरमा बरदार हैं इस वक्त मौजूद जो सोशल मीडिया पर और तमाम दुनिया की मीडिया पर डिस्कस हो रहा है वो है पोप फ्रांसिस का सफ़र इराक़ का और वहाँ पर आयतुल्लम सिस्तानी से मुलाकात अब इसको बाज़ दफ़ा लोग कुछ नेगेटिव जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है तो साजिश तो किसी भी माहदे के पीछे डीलिंग के पीछे जंग के पीछे हो सकती है इसी तरह से बज़ दफ़ा बाज़ माहदात के बाद गलतफहमियाँ भी हो सकती हैं और वादा खिलाफियाँ भी हो सकती हैं और इंसान धोखा भी खा सकता है जैसे कि तमाम दुनिया के माहदात में बज़ दफ़ा ऐसा होता है लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में अमन व अमान हो तमाम अधियान का एहतराम है और हमें उन अधियान की ज़बान को समझना चाहिए इसी तरह से तमाम मजाहब इस्लामी का एहतराम है तमाम मजाहब इस्लामी मुसलमान हैं चाहे विद्यवन्दियों बरेलवी होल हदीस हों आखानी हो बोरी हों आवाज़ी हो अलवी हों मुसलमानों में खूस एहतमाम करना चाहिए इतिहाद का और वहदत का लेकिन इस सूरत में नहीं कि इन लोगों ने अपनी टीमें बनाई हुई हूँ एक को कतल करने के लिए और एक पीछे हमारी तकफीर करने के लिए और सामने आकर इतहाद की बात करें बल्कि ये भी एक फेयर तरीक़े से आएँ और सबसे पहला काम जो है वो ये है कि किसी की भी जान ना ली जाए और तकफीर ना की जाए कम से कम इतना ही जुरत से काम लें कि खून खराबे को हराम करार दें तो सबसे पहले हम बताएं कि जब भी किसी दीन से कांटेक्ट हो तो हमें उनकी ज़बान समझनी चाहिए और उनके कलाम को यानी उनके अकायद को समझना चाहिए कि वो किस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं जैसा हम सोचते हैं बुद्धि ऐसा नहीं सोचते जैसा हम देखते हैं हिंदू ऐसा नहीं देखते हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है हर किस्म की सोच अलग होती है और हर दिनों मज़हब में एक ही मुश्तरक लफ्ज़ होता है लेकिन कलामी एतबार से एतबार से उनकी डेफिनेशन अलग होती है अब पहली बात हम ये बताते चलें कि पोप का जो मकाम है वो हमारे मुशतद या मर्ज जैसा नहीं है बल्कि पोप का मकाम उनके इल्म कलाम के एतबार से यानीयों में नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक में वो तकरीबन कहा जा सकता है कि हज़रत ईसा के जानशीन व खलीफा या

يوشا بن نون جشوا the son نون बस कहा जा सकता है कि हज़रत ईसा आल् के खलीफ़ा और जानशीन हज़रत जशुआ द सन ऑफ़ नून यानी यूशा बिन नून हज़रत ईसा के खलीफ़ा और जानशीन जनाब हज़रत शमुन सफ़ा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन और खलीफ़ा मौला मौल मिरम्न अली अलैहि अबनबाल सलातम बस ये जो सिलसिला है पोप्स का ये टू सिक्सटी सिक्स नंबर पर हैं और इनमें जो पहले आते हैं इनके हिसाब से वह हैं जनाब हज़रत शमुन सफ़ा यानी जनाब हज़रत साइमन पीटर जो हवारी थे हज़रत ईसा सलात वाम के ये लोग कायल हैं अपने पोप्स की इसमत के और यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं पोप के मासूम होने को और आमतौर पर इसे आप सर्च कर सकते हैं पापल इन्फेलिबिलिटी के नाम से कि पोप का मासूम होना अलबत्त ये मासूम होना किस सूरत में है तो कहते हैं विद द असिस्टेंस ऑफ द होली घोस्ट होली घोस्ट या होली इस्प्रिट अमेरिका में आमतौर पर होली घोस्ट कहा जाता है लेकिन जो रिसेंट वर्ड है खूस ब्रिटिशर जो यूज़ करते हैं और पुरानी किताबों में यूज़ होता है ज़्यादा एहतराम वाला है वो है होली इस्प्रिट यानी रू उदस अब उनके बारे में डिस्कशन है कि हज़रत इब्राइल हैं या उनके अलावा ये हम उनका अकीदा बयान कर रहे हैं अपना अकीदा नहीं बयान कर रहे सबका नशे में हमने बयान किया था कि पोप को ये सेंट और वली उल्ला समझते हैं तो ये भी याद रहे कि सेंट के भी दो माने हैं क्रिश्चन वर्ल्ड में खसूसा रोमन कैथोलिक में एक जर्नल मीनिंग हैं कि जिस तरह से हम किसी भी फर्द के लिए कहते हैं कि ये वलीअल्ला है और अल्लाह के वली हैं अपने तमामा और मराजे के लिए लेकिन कैथोलिक वर्ल्ड में दो माना में इस्तेमाल होता है यानी इन पोप को सेंट भी कह सकते हैं वली इस माना में एहतराम को नमान से लेकिन एक टाइटल ख़ास होता है कि जो चर्च देता है और ख़ास शराइत के बाद देता है और कम अज़ कम दो या तीन ख़ास शराइत के साथ बकौल उनके मोजात दिखाने के बाद जैसा कि मदर ट्रेसा को तकरीबन उनकी वफात के काफ़ी साल के बाद सेंट का मकाम दिया गया और आप फॉलो कर सकते हैं कि वो लोग काफ़ी हज़रा के बारे में बाद में ऐलान करते हैं कि ये सेंट थे बस इन पोप के बारे में भी कहा जा सकता है उर्फ़ी एतबार से सेंट हैं और टाइटल के एतबार से इनको अभी वो वाला सेंट वाला टाइटल नहीं मिला है तो ये तो एक वाज़ फ़र्क़ है कि ये हमारे मुशतद या मर्जे की तरह से नहीं है बल्कि ये उनके एतबार से उनके इमाम या हज़रत ईसा सलाम के खलीफ़ा और जानशीन और वो भी मासूम उनके एतबार से हम जब अदियान से मिलें तो हमें उनके इलम कलाम और उनके अकायद और उनकी गुफ्तू का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं उनके कहने की क्या हैसियत है एक सवाल पूछा गया हमसे कि हमारे मराज़े सफर क्यों नहीं करते तो जवाब यह है कि हर जगह का कल्चर होता है और हमारे मराज़े के दरमियान यही है कि वो सफर नहीं करते आजकल के दौर में खूस सफर नहीं करते से क्या मुराद है कि हज और ज्यारतों पे जाते हैं लेकिन आज कल उनके लिए सफर जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है और इतनी सिक्योरिटी उनको कोई फराहम भी नहीं कर सकता आयतल आजम ख़ामनाई ने पाकिस्तान का सफ़र किया था लेकिन उस वक्त के जब वो रई से मुमलिकत थे बाद में उन्होंने भी कोई सफ़र ईरान से बाहर नहीं किया अब ये एक डिस्कशन के एक मर्जे हो तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो रवायात हैं के बारे में कि उनकी जानब रुजू करो तो वो भी सब जमा के सीखे हैं अलमा इसी तरह से फ़र्ज़ वफ़ियाला रुात अहदीस ना कि हमारे अहदीस के रावियों की जानब रुजू करो कि जो उससे नतीजे निकालते हों इसी तरह से अम्मा मनकाना मनल्फ़ा के फ़कहा की जानब रुजू करो अब मुमकिन है इसके पीछे ख़ास मसलहत हो और उन मसलहतों में से मुमकिन है कि शायद एक ये मसलहत हो कि जब इतने सारे महराजे होंगे तो इनहराफ का इम्कान कम होता है लेकिन अगर किसी एक को पावर दे दी जाए और सब के सब उनके हाथ में दे, दे दें इख्तियार मुमकिन है क्योंकि ज़ाहिर मासूम तो नहीं है तो कोई बड़ी गलती का इम्कान हो या खुदा ना खास्ता इहराफ का इम्कान हो लेकिन असल वजह क्या है कि खुदा बेहतर जाने लेकिन आयमा ने जब भी रिवायात बयान की तोा फा और रवात अदीस जमा के सीगे बयान किए अब यहाँ पर एक डिस्कशन आमतौर पर किया जा रहा है जो एक लामानी और अजीब सा है कि जो वो ईरान क्यों नहीं गए तो यहाँ पे जवाब ये है कि भाई वो अगर जाएंगे जब उनको बुलाया जाएगा अब अगर उनको बुलाया जाए तो बाद में ये डिस्कस किया जाएगा कि उन्होंने इस वक्त कबूल क्यों नहीं किया या इस साल कबूल क्यों नहीं किया या अगले साल कबूल क्यों नहीं किया अब पहला एक हम डिस्कस करें क्योंकि इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है इस मुलाकात के नुनान से लेकिन एक मौजूद हम डिस्कस करें कि उन्होंने जहाँ आयतुल्ला लुजमा सस्तानी से मुलाकात की इसे बाद में डिस्कस करेंगे और आगा सिस्तानी ने क्या पैगाम दिया और पोप ने उनके बारे में क्या फरमाया लेकिन पहले हम डिस्कस करें कि इराक़ का एक अहम तरीन जो सतून है वह है हजर शाबी जो आयतल लुसमा सस्तानी के फतवे से बनी थी हजर शाबी के अबू मेहंदी थे कि जिनकी शहादत हुई शहीद कासिम सलमानी के साथ और इस वक्त जो उसके सरबराह हैं वो हैं फ़ाल उलफ़याज़ और पोप ने फाल उल्फ़यास से भी मुलाकात की और इसी शाबी का एक ब्रिगेड है और उस ब्रिगेड का नाम है ब्रिगेड बबिलियन ब्रिगेड के फारसी में आमतौर तौर पर कहा जाता है तीप बाबलिय और अरबी में कहा जाता है कतायबालबाबलिय हरकतुलबाबलिय और इसके सरबरा का नाम है रियान उल्कल्दानी किल्दानी इराक़ के खास ईसाई हैं लेकिन वो भी पोप के पैरोक ही हैं तो पोप ने जब इनसे मुलाकात की तो इनको अपनी तस्वीर दी अब फ़र्ज़ करें कि हम किसी को तस्वीर देते हैं यानी हमारा कुशी आलम तस्वीर देता है किसी मुजाहिद को तो वो क्या माना है माना यह है कि इसलह रख दो तस्वीर पढ़ने लगो या कुरान देते हैं तो क्या माना है तुम्हारी हफाजत हो तुम्हें बरकत मिले तुम इस कुरान पर चलो तुम इस कुरान के साय में रहो या ये मुरादे कुरान पढ़ो असला छोड़ दो लिहाज़ा इस वक्त जो चीज़ डिस्कस की जा रही है और ज़ाहिर ये मुश्किल काम था और इसकी वजह से पोप को शायद मुश्किल हों क्योंकि ये जो रैन अल्कल्दानी हैं इन पर भी पाबंदी है अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक में और इनको भी एज ए दहशत गर्द कहा जा रहा है लेकिन पोप ने इनको तस्वीर दी अब आपके सामने मुख्तलफ तस्वीर जो हैं वह आप बार बार देख रहे हैं जिससे पता चलेगा कि यह काम को इतना सादा सा काम नहीं था अब यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि अरब जो ईसाई हैं उनका मामला और यूरोपियन कंट्री का मामला एक नहीं है अरब ईसाई भी यूरोपियन कंट्री की बहुत सारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं और खूस वो जानते हैं कि आईएसआईएस को सपोर्ट करने वाले यही यूरोपियन और बहुत सारे दीगर अमेरिका वगैरह के थे इसी तरह से तुर्की थे और दीगर थे अब ये भी बताते चलें कि आपके सामने अब इस वीडियो आ जाएगी कि पोप भी इस मुलाकात में एतराज़ कर रहे हैं यूरोप वालों पर कि उन लोगों ने इसला क्यों दिया Perché he went to take upon himself the pain caused by war and terrorism. Ma la risposta alla guerra non è un'altra guerra. La risposta alle armi non sono altre armi. E io mi domandai: chi vendeva le armi ai terroristi? Chi vende oggi? Avanti a questo, c'è un'altra guerra. शय हैं सुन्नी हैं ईसाई हैं इज़दी हैं और इसी तरह से सबई भी हैं कि जो इराक़ में दीन पाया जाता है और ये फ़ौज बनी थी आयतुल्ला सिस्तानी के हुक्म से और अभी भी आगा सिस्तानी की बहुत ज़्यादा इत करती है अब हम यह बताते चलें कि आगा सिस्तानी ने जिन मौजूद को डिस्कस किया उनमें से खुदा पर ईमान है अम्बिया पर ईमान है अधियान का एहतराम है अधियान के अंदर एक हम आहंगी होनी चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए मोहब्बत होनी चाहिए दुनिया में अदल हो इंसाफ़ हो मजलूमों का दफ़ा किया जाए आज़ादी होनी चाहिए दीन के नाम पर अजियत ना दी जाए इराक़ सब का है दहशतगर्दों के जराइम का ज़िक्र किया और जंगों की ज़बान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि डायलॉग पर आना चाहिए इसी तरह से वो ममालिक जो अपने ममालिक फ़वाद के लिए दूसरों पर हमला करते हैं उसकी मजम्मत की और खसूस आपने ईरान या यमन के लिए नाम लेके क्यों कि आप शिया हैं और दर हकीकत ईरान और यमन जो है वो खुद आगे सिस्तानी से रिलेटेड है तो आपने ये नहीं कहा कि हमारे ईरान के मसाइल हल करो या यमन के मसाइल हल करो बल्कि आपने इस मौजू को डिस्कस किया कि हमारे मनत में जो जंगें हैं और हमारे मनत में जो इस वक्त हिसारसदी है उनके अरबी के लेटर में है हिसारसदी फारसी के लेटर में है मुहासरा अतदी और इंग्लिश में जो है वही इकनॉमिकल सेंशनस का जिक्र है लेकिन जो सबसे बेहतर उन्होंने काम अंजाम दिया अपने पैगाम में लेकिन जब अहल सुन्नत फ़लस्तिन का जिक्र आया तो वहाँ पर आपने नाम लिया और अरबी में आपने वाज फरमाया जो उनके पैगाम में है ला सैम अ शाह अबलस्तनी फ़ी औरल्ला और फ़ारसी के पैगाम में आपने फ़रमाया मुहासादी और फिर उसके बाद फरमाया जंग खसूस मिलत फ़लस्तीन दर सरज़मीन सरज़मी खाइशाली इस्पेली द पलस्तानियन पीपल इन दुपाइड टेरटरीज़ अब इस मुलाकात के बारे में बताएँ कि एक माहिदे का इमकान था कि उस पर साइन किए जाएँ और डॉक्यूमेंट ऑफ द ह्यूमन फर्टर्निटी उस पर आ सिस्तानी ने सइन नहीं किया ये शायद इस वजह से कि उसका एक यू एन एस ओ भी दखल रहा और बाज इन चीज़ों को मिसयूज़ भी किया जाता है और एक आम सी बात हो जाती है आगे सेसानी ने दर हकीकत अपने इल्म और तकबे से और अपनी नूरानियत से इस महफ़िल को नूरानी बनाया कि इसका बाद में जिक्र होगा और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया और यहाँ पर बताते चलें कि इस महफ़िल में उन्होंने ना तो हती अपने साहबजादों को आने दिया और आप देख सकते हैं मुमकिन है किसी और तरफ वो हो लेकिन साथ नहीं बिठाया जब पोप से बात हुई है तो उस वक्त भी सबको हटा दिया था और साथ में शर्त लगाई थी कि इराकी अब हम डिस्कस करते हैं कि पोप ने वापसी पर क्या डिस्कशन किया good for his soul. तो वो हम तेजी से बताते चलें और वो चीज जहन में रहे कि रोमन कैथोलिक पोप के अल्फा को किन माना में लेते हैं उनके नज़दीक वो एक आम आलम नहीं है उनके नज़दीक वो हज़रत सलाम के जानशीन और खलीफा हैं और एक तरह से उनके इमाम और लीडर हैं और हम पहले बता चुके हैं कि उनके डिस्कस होता है पैपल इनफेलेबिलिटी यानी पोप का मासूम होना एक मौजूद जो ख़ुद हमने आज बाज़मा से डिस्कस किया वो ये कि पोप के डिस्कशन को ज़्यादा बेहतर यह है कि कोई कार्डिनल वगैरह खुद अपने इलमी तरीक़े से डिस्कस करें क्योंकि उनकी ज़बान है आ, इटालियन और वो जो उनकी गुफ्तु है वो इटालियन में है और जो वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं वो वो आम तौर पर एक तो सादा से माना भी रखते हैं और साथ में कलामी माना भी रखते हैं तो वो वो लोग ज़्यादा बेहतर बताएँगे और उन्हीं को ज़्यादा हक़ है लिहाजा हम सादे माना भी बताएँगे और उनके कलामी माना भी बताएँगे तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है उसको हम डिस्कस करें कि इन्होंने कहा दैट मीटिंग डिड माई सोल गुड इट इज लाइट ये दीदार मेरी रूह के लिए मुफीद था ये नूर था या नूर है अब ये जुमला इस मुलाकात के लिए कहा या खुद आ गए सिस्तानी के लिए अब जो बहुत जगह डिस्कस हो रहा है ये दोनों जिस तरह से बैठे थे इंतहाई एहतराम के साथ बैठे थे जिस तरह से एक बड़ा छोटे के सामने बैठता है और दोनों एक दूसरे के सामने इंतहाई अदब से बैठे लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रही है कि कभी भी किसी पोप का ये मंज़र देखने में नहीं आया कि वो किसी को इतनी शिद्दत से देख रहे हों और हीरा होकर देख रहे हों और डूब के देख रहे हों क्योंकि लोग इनको देखते हैं आके अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो लोग इनको देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं वैटिकन में जब जाते हैं लेकिन पोप किसी को देखें और इस तरह से देखें कि पलक भी नहीं छपक रही खीरा होकर देखें ये वाकई एक अहम खसूसियत थी इस मीटिंग की और इसी की जानेब पोप फ्रांसिस ने कहा कि इट इज़ लाइट और ये नूर था या नूर है और उसके बाद बार बार कहा कि ये बहुत मुतवाज़े थे और बहुत ही मेरा एहतराम किया और ये किसी के लिए खड़े नहीं होते अलबत्त यहाँ पर ये कि जब से आगा सिस्तानी गिर गए थे उसके बाद से खड़े नहीं होते थे लेकिन पहले खड़े होते थे लेकिन अब वाहन क्योंकि गिर गए थे इनकी हड्डी टूट गई थी और ये सारी चीज़ें जाहिर है कि इनको पहले बता दी गई थी लेकिन इसके बावजूद आगा आगातानी ने इनका इस्तेकबाल किया अपने दरवाजे पर उनके लिए चलना मुश्किल था बहुत ज़्यादा और दो दफ़ा खड़े हुए और ये चीज ऐसी थी कि उनको भी एहसास था कि जिसका अभी कुछ ही अर्स पहले ऑपरेशन हुआ नब्बे साल उम्र है वो दो दफा मेरे एहतराम में खड़े हुए अब जो वर्ड यूज किया उनके बारे में इटालियन में प्रुडेंसा कि इंग्लिश में आमतौर पे इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है प्रोडेंस और प्रोडेंस के आमतौर पे माना किए जाते हैं साहिब हिकमत लेकिन जब ये पोप इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उनके इलम कलाम में ये चीज़ डिस्कस होती है तो इससे मुराद हो जाती है हमत अमली और साथ ही आइंदा बीन यानी इनकी निगाह बसीरत वाली है ये देख रहे हैं आगे तक तो ये माना बदल जाते हैं अब हमने ये माना बयान कर दिए सही तफसीर वाकन हक ये है कि जो इटालियन जानने वाला हो और कोई कार्डिनल करे या वो खुद करें लेकिन हमने आम मफूम और उनकी कलामी मफाहिम दोनों बयान कर दिए इसी तरह से दो या दो दफा उन्होंने वर्ड यूज किया है इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किया जाता है सेज और सेज के माना भी तकरीबन वही होते हैं इल्म और मार्फत वाला और इटालियन में उन्होंने बार बार कहा है साजू 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 का माना एक तो वही जाहिर है डिक्शनरी के एतबार से के इल्म और हमत जिसमें हो लेकिन जब कलामी और इरफानी एतबार से खुद रोमन कैथलिक में देखा जाता है जिसमें इल्म और हमत हो और ये दोनों एक हो चुकी हों एक तरह से हों इसी तरह से जो इनका इल्म है इल्म हुजूरी हो यानी ऐसा इल्म नहीं है कि जो शक में बदल जाए यानी यकीन की हद तक है जैसे हम कहा जाए मैं बहुत ही साहिब इरफान और मारफत और फिर इसी तरह से एक नतीजा निकलता है कि ये आमतौर पर यूज़ किया जाता है साजु यानी बहुत ही अदल और इंसाफ करने वाला साहिब हिकमत और जिसमें इल्म भी है हिकमत भी है अदल भी है इंसाफ भी है और दूर देखता भी है यहाँ पर एक मौजू जो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है कि आप दस साल तक किसी से नहीं मिले तो पोप ने जो बयान किया वो बिल्कुल सही बयान किया यानी दस साल तक यूरोप के पॉलिटिशियंस से आप नहीं मिले क्योंकि वो लोग मिस यूज़ करना चाहते थे कभी अमेरिका वाले कभी दीगर लोग लेकिन इस दौरान आप मुसलसल ईरान के पॉलिटिशियंस से मिले और आपके सामने इस वक्त तस्वीरें आती चली जाएंगी इसी तरह से यू के बान की मून से मिले और यू के दीगर अफ़राज से मिले और ये सिलसिला आपका चलता रहा इसी तरह से नबी बर्री साहब से मिले तो वो मिलते हैं लेकिन ये देख के कि ये मिलना मिस ना हो खुदावंत मंदारक व से दुआ है कि तमाम अदियान के मानने वालों को एक दूसरे के दीन का एहतराम और एक दूसरे के साथ अदल और इंसाफ़ के साथ बर्ताव करने और रहने की तोफ़ी क़ता फरमाए और खूस इस्लामी ममालिक में मुसलमान फ़िरक़ों केमाँ को तोफ़ी कता फरमाए कि वह अपने अपने मानने वालों को ये वाज हुक्म दें कि कत्लेम और दहशतगरी और बरबरीत ग़लत है